पंजाब युवा कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लो ने शिमला में पत्रकार वार्ता करके हिमाचल की जनता से अपील की कि आम आदमी पार्टी के धोखे में ना आए। वहीं पंजाब में जो हालात हो गए हैं उससे अब आपके झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के दो विधायक आज दोषी करार दिए जा चुके हैं कि 2015 में इन्होंने दंगे भड़काए और उस दंगाइयों ने इन दो आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर पुलिस पे हमला किया। सारी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के इन दोनों विधायकों को दंगाई बताते हुए, दोषी बताते हुए सजा देने का फैसला किया है। राज बहादुर जी हिमाचल के सपुत्र, जिन्होंने बहुत नाम कमाया पीजीआई में, सैकड़ों लोग हिमाचल से पंजाब से जाके उधर इलाज करवाते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर थे। इनके एमएलए का जो कंडक्ट रहा वहां पर वो हैरानजनक था। उस इंसान को, उस भले इंसान को इन्होंने जलील किया, हिमाचल के बेटे को आम आदमी के मंत्री ने भरी कैमरों के सामने, लोगों के सामने जलील किया। इतना जलील किया भी उस आदमी ने अपना इस्तीफा दे दिया। राजा बड़िंग जी हमारे प्रधान, उनको मिलने गए, वो आप फोटो देखे, किसी को भी देखे, उनकी आंखों से आंसू जो टपक रहे थे वो रुके नहीं, क्योंकि हर आदमी इज्जत का भूखा होता है। खबर हिमाचल के ज्वाली से है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरिया में बुधवार को 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने किया। स्कूल पहुंचने पर पंचायत प्रधान जीवन लाल सहित समस्त स्टाफ से विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष ज्योति प्रज्वलित करने के साथ ही इस अवसर पर टूर्नामेंट में आए विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने इंडो के साथ मार्च पास्ट किया। खंड प्रधान रामकुमार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में ब्लॉक के 6 जोनों के 240 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस खेल प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, शॉटपुट, लंबी कूद, ऊंची कूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन खेलों में भाग लेने आए हैं, और साथ में इनके स्वस्थ शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी खेल का आयोजन सफल हो। शिक्षा के साथ साथ खेल का भी एक अपना ही महत्व है हमारे जीवन में, और भारत सरकार, प्रदेश की सरकार खेलों के लिए अति संवेदनशील है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने कर्मचारियों को इस बात की गारंटी दी है। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन अमित नंदा ने शिमला में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही ओपीएस लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने पेंशन के अपने वादे को पूरा किया है। जहाँ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिलने लगा है, अब हिमाचल की बारी है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेके जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी है, जो कि नंबर एक गारंटी है, उसे सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर लागू किया जाएगा, उस बारे में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं इस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ को समझने में जो है वो भी बहुत बड़ा समय लग गया। जब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें जीपीएफ को लेके एक बहुत बड़ी वो है, डिफरेंस है। हमारे ओल्ड जो फैमिली पेंशन है उसको लेके बहुत बड़ी एक
डिफरेंस है, जो कंट्रीब्यूटरी अब ये पेंशन 10% मैंडेटरी आप एम्प्लॉय की तनख्वाह का पैसा काट रहे हैं, वो एक अलग डिस्क्रिप्शन है।